नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियां जो हैं वो तेज हैं और धड़ाधड़ अलग अलग संस्थानों की तरफ से जो है ओपिनियन पोल जो हैं वो गिर रहे हैं और अलग अलग ओपिनियन पोल में अलग अलग दावे जो है वो किए जा रहे हैं महागठबंधन को लेकर। लेकिन आज हम आप इस वीडियो में एक ऐसी लोकसभा सीट की चर्चा और एक ऐसी लोकसभा क्षेत्र की जानकारी आपको देंगे जहाँ पर RJD चुनाव जीत सकती थी लेकिन खुद की करने के वजह से ये सीट जो है वो हार सकती है, क्योंकि सबसे मजबूत उम्मीदवार को दरकिनार किया गया है झंझारपुर लोकसभा सीट पर। दरअसल गुलाब यादव जो है वो चाहते थे कि उन्हें RJD की तरफ से टिकट दिया जाए, लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से जो है वो रेड सिग्नल था और महागठबंधन की तरफ से पार्टी की तरफ से जो है वो सुमन महासेठ को जो है वो यहाँ से उम्मीदवार जो है वो बनाया गया। JDU की तरफ से रामप्रीत मंडल जो है वो यहाँ पर उम्मीदवार हैं। 2019 में भी चुनाव लड़ चुके हैं गुलाब यादव रामप्रीत मंडल के खिलाफ 3 लाख वोटों से। हालाँकि जो है वो गुलाब यादव हार गए थे। देवेंद्र यादव स्थानीय हैं, उन्होंने भी RJD का दामन जो है वो छोड़ दिया है, पार्टी से इस्तीफा दे दिया। एक RJD में थे देवेंद्र यादव जो कि निर्दलीय नहीं लड़ रहे हैं, वो BSP के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं, हाथी पर सवारी करने जा रहे हैं गुलाब यादव। झंझारपुर में दो बड़े यादव नेता ने जो है वो RJD को छोड़ दिया है, तो इसका कितना बड़ा खामियाजा जो है वो RJD को भुगतना पड़ सकता है। दरअसल गुलाब यादव की पत्नी जो है वो MLC चुनाव में जीत चुकी हैं, मौजूदा वक्त में वो MLC हैं। और पता है गुलाब यादव की पत्नी ने किसको हराया था, या कहें कि किनको हराया था, तो गुलाब यादव की पत्नी ने सुमन महासेठ को हराया था MLC चुनाव में, जो कि मौजूदा वक्त में VIP पार्टी के उम्मीदवार हैं। और गुलाब यादव की बेटी भी जिला परिषद की अध्यक्ष हैं। महागठबंधन की को सबसे बड़ा खतरा यह है कि गुलाब यादव की वजह से झंझारपुर में यादव वोट बैंक बिखरा तो पास में ही है मधुबनी सीट, वहाँ पर भी बड़ा नुकसान जो है वो RJD को हो सकता है। और मधुबनी में RJD की तरफ से अली अशरफ फातमी जो हैं वो चुनावी रन में उतर रहे हैं। तो कुल मिला कहें कि गुलाब यादव BSP के टिकट पर चुनाव जो हैं वो झंझारपुर से लड़ने वाले हैं, या कहें कि लड़ेंगे, तो दूसरी तरफ VIP पार्टी की तरफ से सुमन महासेठ हैं और तीसरी तरफ NDA की तरफ से रामप्रीत मंडल हैं। और यादव, कहा जाता है कि यादव वोट बैंक जो है वो हमेशा RJD के साथ रहता है और ये लालू यादव और तेजस्वी यादव की ताकत है, लेकिन झंझारपुर में यादव वोट बैंक में सेंधमारी करने को तैयार हैं गुलाब यादव। और साथ ही देवेंद्र यादव ने भी पार्टी छोड़ दिया और हो सकता है, कहा जा रहा है कि वो भी गुलाब यादव को सपोर्ट कर दे, तो कहीं ना कहीं यादव वोट बैंक जो है वो झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में बट सकता है। और अगर ये बटा ना तो सिर्फ झंझारपुर में नहीं बटेगा, पास में ही लोकसभा क्षेत्र है मधुबनी में, मधुबनी सीट पर भी जो है वो ये बिखराव देखने को मिल सकता है। तो अपनों की वजह से जो है वो तेजस्वी यादव को मधुबनी जिले की 2 लोकसभा सीट पर बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।